कर परत पालक नायक खासम हमारे नमख नमख तुम ही परत पाल हो हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकर परत पालक नायक खसम हमारे नमख नमख तुम ही परत पाल हो हम बारक तुमरे तारे जिहवा एक कमन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना के नहीं लहियाराओ कोट पराद हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन व्यर्थ रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सज्जन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो इस वेले देग वरतेगी नौजवान वीरां नूं बेनती अमृतधारी सिंघां नूं कि वध तों वध पहुंचण की कृपालता करन गुरु महाराज दी हजूरी दे विच तां जो आपां देग वरता सके। उस तों बाद अगले प्रोग्राम शुरू होणगे महाराज दे सरूप इत्थों सिंघ लै के गुरु के स्थानां ते पहुंचणगे पहला देग वरताई जाएगी। सिंघां नूं बेनती हथों हथ पाई आपां सिंघ पहुंचण अमृतधारी सिंघ ते आपां देग वरता सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दसा ही पातशाही जी दी परम आत्मक जोत तखत चावर छत्र दे मालक प्रतख सतगुरु जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभायमान सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश का सदका मन अति प्रसन्न हो रहा है कि उन्होंने आप सारिया के नाल कोई विशेष तौर पर खुशी रहमत बख्शिश की कृपा जो सतगुरु जी ने की है कि पिंड ढीमा वाली दे सत्कारयोग सरपंच साहब सरदार गुरप्यार सिंह जी समुचे नगर पंचायत क्लब के नौजवान नगर निवासी होर आस पास के पिंडां दे पतवंते मुखी सज्जना दे सांझे उद्यम का सदका जो ये अज का बहुत महान फखर ए सिखी प्रोग्राम का आनंद आप मान रहे हैं। मैं इन सारे ही प्रबंधक वीरां नूं अपने दिल दीआं गहराइयां दे विच्चों हार्दिक धन्नवाद करदा होया वधाई दिना है।
और उम्मीद करदा कि होरना नगरां दी संगत पतवंते गुरसिख सज्जन जिहड़े आए ने वह अज का यह खूबसूरत प्रोग्राम जो हाले कुछ बकाया है वह वेखण तो बाद जरूर मन दे विच एक चाओ लियाउणगे सतगुरु जी तो बख्शिश मंगणगे कि वह भी होर इस तरह के प्रोग्राम करवा के जिहड़े साडे मनां विच तौखले पैदा हो रहे ने कि गुरसिखी की गुरमत सिद्धांत की जां साडी कौमी होंद हस्ती नूं कुछ खतरे झखड़ झोलियां का डर सता रहा है उन्हां प्रोग्रामां की कोशिश राही सहज साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है जिहड़ी अज महसूस करती है गुरसिखी जीवन तो बहुत जल्दी ही सतगुरु जी के महान बख्शिश के उत्ते फखर करेगी। मैं आप जी ने बेनती करा कि देग वर्तन तो बाद आप सारे ने इस तरह ही प्यार सत्कार का सबूत देंदे हुए सजे रहना है। जल्दी ही भाई करनैल सिंह जी सभरा का जिहड़ा एक धार्मिक ग्रुप है जिहड़े के अपने वेले दे बहुत ही महान कविशर सिखी सिद्धांत ते जज्बे दे नाल ओतपोत शख्सियत करन जरनैल सिंह जी सभरा दे छोटे भराता ने उन्हां दी धार्मिक मंडली वल्लों दो नाटक तकरीबन 20-20 मिनट दे पहला नाटक बब्बर अकाली दूजा पखंडी बाबे जिहड़े जिस तरह भाई साहब जी बचन कर रहे सन कि सब तो वध नुकसान साडी सिखी दा जी वह कर रहे ने खास करके जिहड़े सिखी दे रूप विच मनमत पखंड अडंबर कर्मकांड फैला रहे ने उन्हां दे पाज नूं घेड़न वाला धार्मिक नाटक खेडिया जाना है। उस तो उपरंत निशाने खालसा गतका जथा तरन तारन वालों तकरीबन 20 मिनट वास्ते गतके दे जाहो जलाल खालसा ही जोर विखाए जाने हैं और उस तो उपरंत आखिर दे विच विशेष प्रोग्राम जिहड़े नौजवान तो प्रभावित होके असी ये मन दे विच वलवला ते सतगुरु जी अगे अरदास ये प्रोग्राम करवाउण दी कीती सी और उन्हां दे मिलाप दे विच्चों ही शायद ये जिहड़ा नां है अज दे समागम दा फखर है सिखी रखण दा सानूं अहसास ते फुरना सतगुरु जी ने बख्शिया। स्टील मैन पंजाबी विच आपां लोह पुरश कह के उन्हां नूं सतकार जिन्हां नूं दईए अमनदीप सिंह जी जिहड़े मिस्टर हरियाणा बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शरीरक ताकत दे अपना भाग लैन वास्ते गए सन पर उन्हां नूं उत्थों ये कह के दरकनार कर दिता गया सी दाखला देन तो इनकार कर गया सी कि तुसीं इस तरह सिखी सरूप दे हिस्सा नहीं लै सकते। इस मुकाबले च केवल क्लीन शेवन नौजवान है वो ही हिस्सा लै सकते हैं। उन्हें अपनी कोशिश की सी उन्हां नूं इह समझाउण दी कि सिखी सरूप का शरीरक ताकत जां शरीर के प्रदर्शन नाल की संबंध है पर शायद उन्हां लोकां दी सोच दे विच कुछ किस तरह का होर विहार सी पर उसे दिन वह बंदे ने सतगुरु जी की बख्शिश ओट आसरा लैंदिया होया ये उन्हां नूं चैलेंज किया चेता एक तरह का कि मैं थोड़े नालों बहुत वड्डे मंच के उत्ते आके विखावांगा एक दिन पर यह सिखी सरूप दे जिहड़ी मेरी पहल है मेरा जीवन है। और वह नौजवान अज जे तुसीं जिहड़े पढ़े लिखे नौजवान अज दे सूचना तकनोलॉजी दे इंटरनेट की वरतों करते हैं यूट्यूब ते स्टीलमैन कला भरियो अमनदीप सिंह अपने आप अगले पासे आ जाएगा। हले अज तक दुनिया दे विच होर उस नौजवान के मुकाबले का बहुत ही जंगजू ते खतरनाक करतब विखाउण वाला नौजवान उस दे मुकाबले विच नहीं आया। स्टीलमैन अमनदीप सिंह जी भरो ते बहुत सारे चैनलों के उत्ते इतों तक कि दक्षण भारत के मलयालम तेलगू कन्नड़ चैनलों के उत्ते नौजवान छाया होया और जिहड़े उस प्रोग्राम दे विच जजेस हुंदे ने जदों वह साडे खालसा ही जाहो जलाल वाले गतके जथे दे और अमनदीप सिंह जी दे खतरनाक जंगी करतब देखते ने ते मूँह विच उंगलां पै जांदियां उन्हां दे वह प्रोग्राम देखण तों यह मन नूं एक ढारस भी बजदी है। बेशक जिस तरह भाई साहब भाई गुरनेक सिंह जी आप जी दे नाल बहुत ही विस्तार दे नाल बड़ी बरीकी नाल और बहुत विवेक दे नाल धार्मिक पक्ष तो विशेष करके साढ़े पंथक समाजिक ते राजनीतिक पक्ष तो फिक्रमंदी जाहर कर रहे सन पर जे इस तरह के नौजवान होर भी साढ़े समाज में आ जाएंगे
मैं समझते हैं कि वह कोई कारण जो समा दूर नहीं जो साढ़े नौजवान जेडे अज साढ़े ते सिख कौम ते किते जा रहे अनैतिकता दे हमलों का शिकार होके सिखी तो किनारा कर रहे ने वो जरूर एक दिन उहदी रीस करन दी कोशिश करनगे ते सिखी इन्नी प्रफुल्लित होवेगी कि साढ़े जिहड़े तौखले है खत्म हो जाएंगे। हाँ इस गल विच शक कोई नहीं है, मैं जदों भाई साहब जी नूं सुन रहा सा ते मेरे मन विच कुछ कु विचार बने जिहड़े तुहाडे नाल सांझे करना चाहवांगा। बेशक दिने भी मन दे विच ख्याल सी पर मैनू यह नहीं पता सी कि मैनू शायद तुहाडे रूबरू होण दा समां मिले, प्रबंध दे हालात की ने। अज ही अमृतसर साहब हवाई अड्डे ते जाण दा मौका मिलिया। आप जी ने अखबारां दे विच जिहड़े गुरसिख सज्जन जुड़े रहिंदे इस तरह दीआं राजनीतिक ते पंथक खबरां नाल, उन्होंने देखिया होना है कि किन्नी जद्दोजहद किन्नी मुश्किल ते मशक्कत तो बाद इस हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रामदास जी पातशाह के नाते रखा गया है। और जिस दिन मैं एक होर भी विशेष बेनती करा कि शायद अखबारी खबरों के नाल साडी उन्नी तसली ना होवे, वह दिन जरूर आऊगा जदों वो अंदर दे उन्हां मनुखां विच्चों जिहड़े विरोध करन वाले सन जां नां रखवाउण वाले सन कोई किताब लिखेगा कि कीड़ियां कीड़ियां शक्तियां ने कीड़ी कीड़ी बिरती दे अधीन इस पावन नगरी दे सिरजनहार दा जिहड़ा ना है वह एयरपोर्ट नाल जोड़न तो किन्ना किन्ना ने की रोल निभाया। और अफसोस की गल यह है कि उस संसद दे विच पास हो चुका मता है टिकटां दे उत्ते सिस्टम दे विच ओह ना सदे सतगुरु पातशाह जी दा चला गया है। जदों भी कोई टिकट अमृतसर साहब की बनाउंदा है ते उहदे ते श्री गुरु रामदास जी करके भी लिखिया है, लेकिन जदों जहाज उतरन लग्या वह अमले दे मैंबर ऐलान करदे ने पता नहीं उन्होंने किहड़ियां शख्सियां दी हदायत है, वह अज भी राजा सांसी कहिंदे है। जे उन्होंने पुछीदा वह कहिंदे जी सानूं हुक्म इह है। मैनूं लगदा है कि इस देश की किस्मत दे विच किते ना किते कुछ काले दौर हले बाकी है। पिछले दिन ही तुसीं देखिया होना है कनेडा का प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर इंडिया दी ते पंजाब दा दौरा करके गया है। ये गल नाल शायद तुसीं मेरे नाल 90% तो जरूर सहमत होवोगे कि असी कनेडा दे विच उस देश की तरक्की च हिस्सा पाउण दे मकसद नाल बिल्कुल नहीं जांदे। असी अपनी आर्थिक तरक्की अपनी खुशहाल जिंदगी अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य वास्ते जाने हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मनुख होएगा जिहड़ा ये कहे कि मैं पढ़ लिख के बहुत हुनरमंद बन गया जां मेरे कोले बहुत धन है ते मैं चाहुंदा कि मैं कनेडा देश की तरक्की च योगदान पाउण वास्ते अपना धन खर्चा जां अपनी डिग्री मरतबे दा अपनी जिहड़ा मेरे विच हुनर है उहदा इस्तेमाल करा। लेकिन फिर भी मैं कहना फखरयोग ने वो लोग सत्कार के पात्र ने वो लोग जिन्होंने ये पता है कि ये लोग पैसा कमा के आपदे वापस देश वल जाते हैं। इन्हां दीआं रीझां इन्हां दीआं तांगां इन्हां दीआं कल्पनावां हमेशा आपदे देश नाल जुड़ियां हुई हैं, बेशक उत्थों दे वो नागरिक भी बन जाते हैं, पर फिर भी जिन्ना कसी योगदान उत्थे पाया है वो उन्हों सत्कार दे रहे हैं, उन्हों जीओ आया कह रहे हैं। तुसीं बयान पढ़े होने हैं ओबामा का बयान जिहड़ा पिछले दिन ही दिवाली के संबंध में आया है, सिखां दी प्रशंसा उहदे मूंह तुसीं सुनी होनी है, पर मंदभागी गल है यह बदनसीबी की गल है कि यह धरती का टुकड़ा जिस धरती नूं आबाद करन लई जिस धरती की अणख आबरू इज्जत स्वैमान नूं कायम रखन लई जिस धरती के टुकड़े नूं आजाद करवाउण लई गुरु नानक पातशाह दे सिधांत वाले इन्हां मनुखां ने जिहड़ा सिधांत बराबरता की गल करदा है इंसानियत की गल करदा है प्रेम की शांति की तरक्की की खुशहाली की भाईचारे की त्याग की गल करदा है उहदे च किसी मनुख का किसी कब्जे का ना नहीं, वो किसी विशेष ग्रुप का सिधांत नहीं, पूरी समुची मानवता का सिधांत है। और उस सिधांत ने चांदनी चौंक तो लैके ते कारगिल की जंग तक यह साबित भी किया कि असी जे गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सिख हैं ते असी उस अमल ते पहरा देन लगे हां किसी फिरके जात नसल